Are you ready for your surprise? Dada, it is me, Mom, Dada. Kabir? What is it? What is this? Hi guys, welcome back to Momcom India Vlogs. अभी बज गए हैं रात के 9, हम लोग खाना खाने लगे हैं और उसके बाद सोने लगे हैं. Now the reason why मैं आज ये vlog इतनी रात को शुरू कर रही हूँ वो ये है कि कल के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा excited हैं. कल सुबह कबीर का नया बेड आ रहा है. तो ये जो बेड है ये एक मल्टीपर्पज़ बेड है. अभी ये बंक बेड की तरह सेटअप होगा और आगे जाके ये दो इंडिविजुअल बेड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो काफ़ी अच्छा लंबा चलेगा ये, बहुत ढूंढा है हमने. मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है बिकॉज अ बंक बेड इज़ समथिंग जो मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे पास हो व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप. तो मेरे पास तो नहीं हुआ, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट माई चाइल्ड इज़ हैविंग इट. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स मेकिंग हिम इंडिपेंडेंट. धीरे 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 करके, बिकॉज वो बंक बेड के लिए इतना एक्साइटेड होता है, आई एम श्योर कि वो वहाँ सोना भी प्रेफर करेगा. एंड और जैसे जैसे वो इस चीज़ को और लाइक करेगा, आई थिंक ही विल ट्रांजिशन टू हिज ओन बेड एंड देन इवेंचुअली इन टू हिज ओन रूम, विच इज़ अ बिग बिग स्टेप. टाइम लगेगा, बट देन वी हैव टू स्टार्ट दिस जर्नी समडे. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द जर्नी. सो दैट्स इट गाइस, पूरे ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए. अभी जाते हैं, खाना खाते हैं, एक ब्यूटी स्लीप लेते हैं एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, बिफोर आई से गुड नाइट, मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करना चाहती हूँ जो आपकी भी हेल्प कर सकता है. ये डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी प्रोमिनेंट होते जा रहे थे बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस. एंड मुझे ऐसे लग रहा था कि जो बेसिक होम रेमेडीज हम घर में करते हैं दे वॉन्ट जस्ट इनाफ. मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. आई नीड टू गेट एन अंडर आई क्रीम एंड स्टार्ट यूजिंग इट एवरी डे इफ आई एक्चुअली वॉन्ट देम टू रिड्यूस. तो मैंने लिया मॉम्सको का नेचुरल वीटा रिच अंडर आई क्रीम. ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, बिल्कुल ठंडी ठंडी आई है क्योंकि मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ. मुझे इसे यूज़ करते हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं एंड आई कैन स्टार्ट टू सी द डिफरेंस. आप ये आफ्टर की भी पिक्चर देख सकते हो एंड आई एम ओनली श्योर दैट इज़ गोइंग टू गेट बेटर. बट आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू बिकॉज काफ़ी लोगों को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है एंड नॉट ओनली वुमेन, मैन कैन ऑल्सो यूज़ इट. तो ये यूनिसेक्स है तो सौरभ और मैं दोनों ही इसको यूज़ कर लेते हैं. मैं इसको दिन में एक बार लगाती हूँ. बेसिकली रात को सोने से पहले इसको लगाओ और फिर आराम से सो जाओ. दैट्स द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग दिस. इसे अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो दिखाती हूँ. तो इस अंडर आई क्रीम का एप्लीकेशन बहुत सिंपल है. इनफैक्ट मैं बोलूँगी बहुत स्मूथ है बिकॉज ऑफ द यूनिक रोलर डिज़ाइन जो मुझे बहुत अलग लगा एंड इट मेक्स इट वेरी इजी टू मसाज और एक बहुत कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है आपकी आईज़ में. समर्स में आप इसे फ्रिज में रख सकते हो, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई डू. आप इसे बाहर भी रख सकते हो अगर आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते एंड विंटर्स में आप इसे बाहर रहने दो. इसके इंग्रेडिएंट्स में 2 मेन इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूंगी. इसमें कॉफ़ी ऑयल है विच इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. तो फटाफट आपकी स्किन में वो पेनिट्रेट करता है और जाके रिपेयर करता है और रिड्यूस करता है डार्क सर्कल्स को नेचुरली, अलॉन्ग विद विटामिन ई विच हाइड्रेट्स एंड सॉफ्टन्स द स्किन. ऑल्सो अपनी स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले मैं प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट ज़रूर चेक करती हूँ और ब्रांड के बारे में ज़रूर रिसर्च करती हूँ. एंड विद द मॉम्सको आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इनके सारे प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल हैं, 100% सेफ हैं, फ्री फ्रॉम एनी टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स हैं. तो सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, सो दैट मेक्स मी हैप्पी. और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको ये दूंगी कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो ये मत सोचो कि वो आपकी स्किन पे आके, आपके प्रॉब्लम्स पे आके मैजिक क्रिएट करेगा अगर आप अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहे हो. तो अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन अ गुड अंडर आई क्रीम लाइक दिस वन, बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ें करो. जैसे 6 से 7 घंटे की पीसफुल स्लीप बहुत ज़रूरी है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ आई एंड फेस एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं. अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करके बताओ, मैं आगे की वीडियोज़ में आपको इसके बारे में भी बताऊँगी. ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक बहुत अच्छी डाइट लो एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज इतना ज़्यादा अब हम लोग ऑनलाइन रहते हैं और इतनी स्क्रीन्स यूज़ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपनी आईज को स्ट्रेन नहीं करें, बीच बीच में ब्रेक्स लें. सो आई नो दैट द मॉम्सको अंडर आई क्रीम वर्क्स बट आई हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट आई जस्ट स्पोक ऑफ टू. एंड गाइज, अगर आपको कोई और स्किन प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, जैसे आप मेरा ये एरिया देख सकते हो, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप द मॉम्सको का नेचुरल वीटा रिच फेस सीरम ट्राई करो. इसको आप बहुत इजीली अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का पार्ट बना सकते हो. तो एंड ये पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है. सबसे पहले आप अपने फेस को वॉश कर लो, अच्छी तरह से क्लीन कर लो, उसके बाद आप ये सीरम लगाओ, थोड़े से ड्रॉप्स लगाओ, अच्छे तरीके से इसे मसाज करो. नॉर्मली इसके बाद एक मॉइस्चराइजर
मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आपको लगता है कि आपका फेस बहुत ड्राई फील कर रहा है तो आप एक मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। एंड लास्ट में आप अंडर आई क्रीम लगाओ एंड देन गो हैड एंड हैव अ पीसफुल स्लीप एंड आप मॉर्निंग में रिजल्ट खुद देखोगे। इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब मैं जाती हूँ सोने एंड देन कल मॉर्निंग में उठते हैं एंड लेट्स सी व्हाट्स इन इट फॉर अस। तो जब हम कबीर का रूम पेंट कर रहे थे उसी टाइम पे हमने ये बंक बेड ऑनलाइन देख के पसंद कर लिया था और ऑर्डर भी कर दिया था। विद इन 7 to 10 days ये डिलीवर हो गया और उसका इंस्टॉलेशन भी स्केड्यूल हो गया। कबीर के रूम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके डिटेल आप अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डाले हुए हैं, वहाँ पर जाके आप आराम से चेक कर सकते हैं। इस टाइम पे सिर्फ कबीर का बंक बेड और एक बुक शेल्फ डिलीवर हुआ है। काफ़ी और प्रोडक्ट्स भी हमने ऑर्डर करे हैं जिनकी डिलीवरी थोड़ी लेट है, तो कबीर का रूम जो है वो धीरे धीरे सेटअप हो रहा है और जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे हम आपको दिखाते जाएंगे। काफ़ी चीज़ें हमने अमेज़ॉन से भी ऑर्डर करी हैं और उनके भी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, आप अमेज़ॉन स्टोर फ्रंट में जाके वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। So guys, here it is. Kabir's bunk bed is set up and it's ready. It not only looks amazing, but it's also very, very solid. It's made out of pure wood. There is no laminate. It's polished pure wood. And I hope you guys like it as much as we do. ओके गाइस, तो कबीर का बंक बेड बिल्कुल रेडी हो चुका है और आई होप आप लोगों को ये उतना ही अच्छा लगा होगा जितना हमें अच्छा लगा है। और अब टाइम है कबीर को ये दिखाने का, क्योंकि कबीर इस टाइम तक सो रहा था, हमने उसे थोड़ा ज़्यादा सोने दिया आज ताकि बंक बेड जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए। तो अब बिल्कुल रेडी हो चुका है और उसको लाते हैं यहाँ पर और सरप्राइज़ देते हैं और कोशिश करते हैं कि कैमरा में ये कैप्चर भी करें, क्योंकि कबीर कैमरा देख के थोड़ा सा शाई फील हो जाता है, बट फिर भी उसे सरप्राइज़ देते हैं। ओके कबीर, कबीर आर यू रेडी फॉर योर सरप्राइज़? Okay, go to that room. Are you excited? Open, Kabir, open. Dada, it is me, Dada. You can lie down here one time, but no. One time you can lie down. I can first lie down here. Yeah. Yes, you can. But at least go till here and see how your bunk bed is. You are lying down and just a pillow. Yeah, just a pillow. How do you like it, Kabir? Nice. It's nice. Go one more step. Go up and see. Who made this? Daddy made this. Dada, who made this? Daddy made this. Not by you. Yes. Oh my God! Go. Just don't stand up, okay? Watch your head. I can run very high. Yeah, but that is up. Here you, it is for sitting and sleeping. What is your favorite part of the bed? Tell me. My favorite part is climbing. Favorite is? Part is climbing. Climbing the bed. Yeah. Yes, Mama can sleep here, you can sleep there. I can sleep with Mama before the mattress above the dad's one.
Yeah, this mattress will come next week. Yeah. One bhaiya will bring it. Yeah. When nanny daddy. Yes. Nana stole my mattress because Nana sometimes dirty our room. Acha, she dirties our home. But who will clean, keep this room clean now? I always try to clean my room. Guys, as you see, he's super excited. He's very happy. He cannot stop smiling. He has a constant smile and excitement on his face. And we are just, you know, very, very happy that he liked it. Let us enjoy the moment and we'll talk to you guys very soon. Bye. What are we reading? It's about mommy book. Okay, which book for daddy? What book would you like to choose for daddy? It's book. Yeah. Okay. Go. I want to sleep with my dad. Oh. With my dad. What about mama? Where is mama sleep, Kabir? But anybody, na? Whenever somebody, there is a sleepover. Nana, you know this. What is this book? No. This is about Mount Fuji. It's a Mount Fuji book. Can you read it to me, Baba? Is. But come on the pillow. But the leaf, if you can. Who says that? This is the 8th book that Kabir wants to read on his new bed. Mama, you want to read this? Yes, come lie down. Mama? Please, can I give it to you? Because I'm feeling cold. Okay, I'll get it. The three friends hopped onto the dinosaur's back and Max came to life. Hello visitors, welcome to my world, said Max. Large dinosaur standing on 2 feet, chasing a small one. That one looks like a T-Rex. Oh, that's the T-Rex. No. It says T-Rex, number no. No, it only looks like a T-Rex. So what is it? It's Megalosaurus. So why is it looking like a T-Rex? Because Megalosaurus is a lizard. Okay, that's why. Yes. How many people can lie down on this bed with you? 22. So you and one more person, right? Can mama sleep up? You can sleep on the mat. Okay, I'll lie down on the mat. It's not a mat. You want to lie down on the carpet? On the carpet? Yes. And guys, see, that's how much he's loving his bookshelf. He's loving the fact that it is at a good height. Mama? And Mama? Yes? So he's loving the fact that he can look at the books, choose the books that he wants. He can organize. So he's having too much fun with it. I think that's definitely a good value addition in his room.